अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भारत को लेकर एक बयान आया और उसके अपने अपने मायने निकाल लिए गए, लेकिन अब ट्रंप ने जो बयान दिया है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से व्याख्या करने वालों को पच नहीं पाएगा। पहले भी भारत तक ने बताया था कि भारत ने ट्रंप के बयान पर कहा था कि हमारे लिए देश पहले है और फिर जरूरत के हिसाब से दूसरे देशों की मदद करेंगे। अब ट्रंप ने पीएम मोदी की खुलकर प्रशंसा की है। ट्रंप ने कहा है कि पीएम मोदी महान है और बहुत अच्छे नेता हैं। भारत के हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के निर्यात पर मुहर लगते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुले दिल से पीएम मोदी की फिर तारीफ की है। ट्रंप ने अमेरिकी न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज से बातचीत के दौरान कहा, नरेंद्र मोदी ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के मामले में हमारी मदद की है, वो काफी अच्छे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम विदेश से कई दवाइयां मंगा रहे हैं, इसमें भारत में बनाई जाने वाली हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवाइयां भी शामिल हैं। इसे लेकर मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुद बात की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बातचीत में कहा कि भारत से अभी बहुत अच्छी चीजें आनी बाकी हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की 29 मिलियन डोज खरीदी है। ट्रंप ने चैनल से बातचीत के दौरान बताया कि मैंने पीएम मोदी से पूछा था कि क्या वो हमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवाइयां देंगे, वो शानदार थे। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन भारत में मलेरिया के इलाज की दवा है। भारत में मलेरिया के मामले हर साल बड़ी संख्या में आते हैं और यही वजह है कि भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। ये दवा इस वक्त एंटीवायरल के रूप में इस्तेमाल हो रही है। सरकार ने इस दवा पर लगे निर्यात से आंशिक तौर पर प्रतिबंध हटाया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार सरकार ने मानवीय आधार पर यह फैसला लिया है। ये दवाएं उन देशों को भेजी जाएंगी जिन्हें भारत से मदद की आस है। अमेरिका इस दवाई को लेकर इसलिए भी ज्यादा व्याकुल है क्योंकि 4 लाख से अधिक लोग वहां कोरोना से पीड़ित हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 12,000 के पार हो चुकी है। ऐसे में कोरोना से लड़ने के लिए भारत से जिस दवाई की अमेरिका मांग कर रहा था उसकी पूर्ति होने पर ट्रंप बेहद खुश हैं। और वो इससे पहले भी पीएम मोदी की कई मंचों से तारीफ कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।